जबलपुर पुलिस के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान श्रीकंद्रा के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस ने दबिश देते हुए 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 10 कट्टे सहित 15 जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल जब्त कर कार्रवाई की है, जहां एडिशनल एसपी समर वर्मा ने कहा है कि गोरखपुर, गड़ा, तिलवारा, हनुमानताल और पाटन में कार्रवाई करते हुए 10 बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं उनमें से एक मुख्य आरोपी जो नरसिंहपुर का रहने वाला है, जो अवैध हथियार बनाकर बेचता था, उसे जबलपुर से गिरफ्तार कर 5 कट्टे जब्त कर कार्रवाई की है। जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। चालू करते हैं। निष्पक्ष और निर्भय लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए जबलपुर पुलिस के द्वारा लगातार आपराधिक तत्व जो फायर आर्म्स का उपयोग करते हैं उनको चिन्हित करके कार्रवाई की गई है। इस तारतम्य में पिछले 24 घंटों में जबलपुर के गड़ा, तलवारा, गोरखपुर, हनुमानताल, इन थानों से 15 अवैध फायर आर्म्स जो आप देख सकते हैं, मैं 15 कारतूस के ये जब्त किए गए। ये पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निर्देश में सभी अधिकारियों के द्वारा सम्मिलित तौर पर कार्रवाई की गई। इसमें मुख्यतः कुछ तो ऐसे हैं कि जो जिनके आपराधिक रिकॉर्ड थे और पुलिस के द्वारा उनकी सर्चिंग तलाशी की गई तो अवैध हथियार के पाए गए, और इसमें एक प्रमुख जो एक हथियार बेचने वाला ही व्यक्ति है ज्ञानचंद, ये पकड़ा गया है। इससे 5 हथियार एक साथ मिले हैं और इसकी जानकारी कमल और विजय दो व्यक्तियों को जब पहले पकड़ा गया तो इनके द्वारा बताया गया कि ये नरसिंहपुर निवासी ज्ञानचंद जो कि खुद हथियार बनाता है वो उसने उनको दिए हैं। पुलिस के द्वारा जब उनसे वहाँ पूछताछ करी गई और ज्ञानचंद की लोकेशन दी गई तो उनकी जबलपुर में मिला और उससे 5 हथियार एक साथ बरामद हो गए। इस तरह ये उल्लेखनीय कार्रवाई जबलपुर पुलिस के द्वारा की गई। किस थाने से कितने हथियार? ये प्रेस नोट में मैंने दिया हुआ है, इसमें गढ़ा, तिलवारा, गोरखपुर, हनुमानताल इन सबसे है। सबसे अधिक गढ़ा थाने में है, इकट्ठे कितने 10 है, 8 हथियार गढ़ा से है, 2 तिलवारा से है, 3 गोरखपुर से है और गोरखपुर हनुमानताल थाने से एक एक हथियार और उसका कारतूस है। अब ये तो कीमत ऐसा आप एक सामान्यतः 10,000 रुपये हथियार का पकड़ लिए तो करीब 1.5 लाख रुपए के हथियार हैं। इनके कुछ पिछले रिकॉर्ड होंगे? हाँ, इन सबके क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उसी के आधार पर ही पुलिस ने इनको पकड़ा है और इनसे हथियार बरामद करे। कुल कितने बदमाश पकड़े गए इसमें? कुल इस तरह से इसमें 10 बदमाश है जिनसे हथियार बरामद करे। ये जहाँ ये बनते थे उस फैक्ट्री से नरसिंहपुर? नरसिंहपुर में ये जो ज्ञानचंद है इसके भाई की वहाँ पे लाइसेंसी आर्म्स की भी दुकान है और ये उससे पूछताछ पता चलता है कि चूंकि उसने उस दुकान में हथियार पहले रिपेयर करना सीखा तो फिर बनाना भी सीख लिया, तो इस संबंध में भी पुलिस नरसिंहपुर पुलिस को सूचित करेगी।